EBS, Unit 2, Part 2. Part 1 में मैंने नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्कस किया था पार्ट में फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन टिम्बर एक्सटेक्शन एंड केस स्टडीज और इंपॉर्टेंट एमसी की डिस्कस करें फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं फॉरेस्ट इज द इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स तो फॉरेस्ट कैसा है रिन्यूएबल रिसोर्स में आते हैं फॉरेस्ट वेरी इन कंपोजिशन एंड डाइवर्सिटी एंड कैन कंट्रीब्यूट सब्सटेंसली टू द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ठीक है ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को भी सब्सटेंसली कंट्रीब्यूट करते हैं इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 30% ऑफ द वर्ल्ड एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड में 30% फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है फॉरेस्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स टे forest, forest forest. Forest 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 density. Density क्लासीफाई करते हैं डेंस फॉरेस्ट फिफ्टी नाइन परसेंट एंड ओपन फॉरेस्ट फोर्टी परसेंट एंड मैंग्रीव फॉरेस्ट वन परसेंट ठीक है तो सबसे ज्यादा क्या है डेंस फॉरेस्ट है कॉम्पैक्ट फॉरेस्ट है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट सब एल्पाइन फॉरेस्ट एंड एल्पाइन फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में दो टाइप के होते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ठीक है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रैपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड लिटोरल एंड स्वैम ठीक है तो चार टाइप की होगी ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ड्राई डेड फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट ठीक है एवरग्रीन मीस ऑलवेज ग्रीन रहने वाले डेसिडियस मीस होते हैं जो बहुत जल्दी उनके पत्ते गिर जाते हैं थॉर्न मीस जो काटेदार होते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हिल फॉरेस्ट बेट हिल फॉरेस्ट ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड पाइन फॉरेस्ट ये सब सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में टेम्परेट फॉरेस्ट आता हैल्पाइन रीजन में आते हैं एंड एल्पाइन फॉरेस्ट में मॉइस्ट एल्पाइन एंड ड्राई एल्पाइन आते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो वेस्टर्न घाट में है स्टेट्स में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया के केरला एंड असम में है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट गुजरात और राजस्थान में प्रेजेंट है ब्रॉड फॉरेस्ट में एंड कॉनिफेरस डेसिडियस फॉरेस्ट यूपी एसपी जम्मू कश्मीर में मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज में होते हैं ठीक है तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट स्टेट्स लिए जिसमें जो जो फॉरेस्ट है उसको भी नोटिस किया हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट ऑफ़ फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्या क्या इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की में प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोटेक्टिव तो द प्रोटेक्टिव, प्र, रो, प्रोटेक्टिव रोल एज ए अगेंस्ट द्रोजन ड्रॉट फ्लड इंटेंस रेडिएशन इसके लिए हमें बचाता है प्रोटेक्टिव मेजरमेंट रखते हैं प्रोडक्टिव फंक्शन में फॉरेस्ट आर सोर्सेज ऑफ वुड

fuel for cooking and other purposes for pure paper raw material for wood based industries forest provide raw material for various wood, wood based industries like paper and pulp sports goats and furniture matchbox extra function of forest as a resources function forest resources mainly function beneficial function of forest are the following mainly beneficial functions kaon kaon forest ke?

Rain is absorbed by the ground, reducing surface runoff. Okay, so control of runoff leaves. We flood control. Forest through watersheds help in avoiding extreme of water flow and so help in flood prevention. Wildlife habitat provision. Wildlife uses the product of trees and forest as a food and shelter, respectively. Prevention of soil erosion. Water moves slow through forested soil and stays free of sediments. Reduction of wine, wind erosion.

कब हुआ है 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 1980 में तो जो के सबसे कंटम ए ए फॉरेस्टेशन फॉरेस्टेशन ठीक अगर e अगर ही हमने किसी तरह फॉरेस्ट किया तो ए फॉरेस्टेशन लगाना जरूरी है ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स को डेवलप करने बहुत से प्रोजेक्ट्स बनाना जो ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स बताते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिमूवल और रिडक्शन ऑफ सबसाइड टू इंडस्ट्री

पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल हेरिटेज ऑफ कंट्री बाई फॉरेस्ट जो बच्चे उनको हम प्रिजर्व करके रखेंगे थर्ड पॉइंट है इंक्रीजिंग सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट की सस्टेनेबिलिटी को हमें इंक्रीज करना है दो मैसिव एफॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम तो हम ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम यानि प्लांटेशन के थ्रो भी इसको सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के थ्रू भी

इनकमिंग सिक्स डेकेट में बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लूज हो रहा है फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस एरिया शुड बी अंडर बैलेंस के लिए थर्टी थ्री परसेंट एरिया ही फॉरेस्ट कवर में है लेकिन इंडिया में ट्वेंटी पॉइंट सिक्स परसेंट फॉरेस्ट कवर है

एंड आंध्र प्रदेश एंड कंट्रीब्यूटिफिकेटली डिफोरेस्टेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशन से और झूम कल्टिवेशन से भी डिफोरेस्टेशन होता है इंडिया में कहा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में और एमपी एंड बिहार में कॉमर्शियल लॉगिंग सेकेंड कॉजेज है इसका कॉमर्शियल लॉगिंग इट इज इंपॉर्टेंट डिफोरेस्ट एजेंट इट मे नॉट बी प्राइमरी कॉज but definitely it acts as a secondary cause because new logging lots permit shifting cultivation and fuel wood gatherers access to new logged areas. need for fuel wood increase population has led to increasing demand of fuel also acting as an important deforestation agent particularly in dry forest Okay? expansion of agribusiness with the addition of cash crops such as oil palm rubber.

पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिफोरेस्टेशन भी इंक्रीज होगा एग्रीकल्चर में शिफ्टिंग कल्टिवेशन ओवरग्रेजिंग कैश क्रॉप इकोनॉमी ये सब एग्रीकल्चर में है एंड कॉमर्शियल लॉगिंग थर्ड माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिंग फॉर लॉगिंग फॉरेस्ट फायर एसिड रेन एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट

एक्सटीशन ऑफ सम्पीसीज मेनी स्पीसीड एंड समझे स्पीसीज डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो इस एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो कैसे हो जाएंगे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज द रेनफॉल पैटर्न इज अफेक्टेड फॉरेस्ट नहीं होगा तो रेनफॉल पैटर्न भी अफेक्ट हो जाएगा एज द फॉरेस्ट इज कट डाउन लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस में रिजल्ट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन ठीक है तो लोकल एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी इससे इफेक्टेड होगा ग्लोबल वार्मिंग इफ द ट्रीज आर बर्न रिलीज़ इमीडिएटली एज कार्बन डाइक्साइड लीड टू ग्लोबल वार्मिंग के बर्न होने पे CO2 का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगी डेंजर फॉर द सर्वाइवल ऑफ लोकल कम्युनिटीज लूज ऑफ फूड फ्यूल कंस्ट्रक्शनियल एरियाजरेस्टेशन ठीक है नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया इंडिया में मेनली क्या क्या प्रॉब्लम्स डिफॉरेस्टेशन की वजह से कॉजेज होती हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है डिक्रीजिंग लेवल ऑफ रेनफॉल एंड रेनी डेज ठीक है रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा डिफॉरेस्टेशन की वजह से इंक्रीजिंग रेट ऑफ सॉयल इरोजन सॉयल इंक्रोजन इंक्रीज हो जाएगा क्लाइमेट चेंज इफेक्टेड होगा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होगा डेक्लाइन इन वाटरशेड फंक्शन एपरेंट लॉस ऑफ हार्डवुड बुड फ्यूल वुड एंड एस्थेटिक स्टॉक्स

उस होल्ड यूटेंसिल फर्नीचर एंड अदर आइटम्स ठीक है उसमें यूज करते हैं टिम्बर एक्सटेंशन इज द रिमूवल ऑफ टिम्बर फ्रॉम फॉरस्ट इट रिक्वायर्स वेरियस कटिंग होगी ट्रांसपोर्टिंग द लॉग टू ए मिल ठीक है उसके लॉगिंग करके इसको मिल मिले जाते हैं फिर उसको करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टिम्बर एक्सटेंशन मेथड इज क्या है Clear felling. इट इज प्रैक्टिस इन क्लियर फेलिंग एम इज टू क्रिएट एन ट्रीज़ विद कॉमर्शियल स्पीसीज डोमिनेटिंग बाई रिमूवल ऑफ नॉन कॉमर्शियल ट्रीज बाई कटिंग ठीक है कॉमर्शियल स्पीसीज की कहते हैं दस क्लियर फेलिंग मीन्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेटिव फॉरेस्ट तो ये डिस्ट्रॉयबल है क्लियर फेलिंग मीस कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडस्ट्रियल हैं इंपैक्ट ऑफ टिम्बर के क्या इंपैक्ट आते हैं बहुत से डिफॉर हो जाता है फर्स्ट बायोडावर्सिटी लॉस हो गई habitat loss हो जाता है फॉरेस्ट फायर भी हो सकता है इसकी वजह से एटमोस्फियर में ट्रीज एक्टेजेस सिंह फॉर कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करते हैं ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं

एंड बायोडी फॉरेस्टमेंट इज कॉज सीरियस इबलॉस ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम दिस इज बिकॉज प्लांट रिक्वायर लार्ज कंटिन्यूस एरिया लॉस हो जाता है इकोसिस्टम भी इेबल हो जाता है एंटीडेम केस स्टडी जब हम केस स्टडी की बात करते हो तो एंटीडेम नर्मदा बचाव आंदोलन सभी ने सुना हुआ है ठीक है तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसका इसको मेनली मेधा पाटेकर जो लीडर है वो ये रही मेधा पाटेकर वो इसकी लीडर है नर्मदा बचाओ आंदोलन की इज एन इंडियन सोशल मूवमेंट बाय नेटिव ऑफ आदिवासी फार्मर्स एनवायरमेंटिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज अगेंस्ट नंबर ऑफ लार्ज डैम प्रोजेक्ट अक्रॉस द नर्मदा रिवर नर्मदा रिवर बेटा कहाँ पे है स्टेट्स ऑफ गुजरात मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र मेनली नर्मदा रिवर एम पी में ही है ठीक है एमपी में है ये तो नर्मदा बचाओ आंदोलन देखो जल सत्याग्रह नर्मदा बचाओ आंदोलन ये मेधा पाटेकर है जो इसकी मेन लीडर है केस चिपको मूवमेंट चिपको मूवमेंट में क्या होता था कि जो यहाँ पे लेडीज जो, जो सुंदर लाल भोगना एक यहाँ के लीडर थे और एक कोई चंडी प्रसाद भट्ट थे दो लोग थे उत्तराखंड में तो वो लोगों ने यहाँ पे पेड़ के पास तो पेड़ को पूरा हक हाँ कर लिया और उसके बाद पेड़ को काटने नहीं दिया था तो कोई भी जो भी काटने वाले आते थे तो उनको काटने नहीं दे रहे थे कॉमर्शियल तो उसको चिपको आंदोलन बोलते हैं चिपको इन हिंदी मीन हगिंग और इम्रेसिंग द चिपको मूवमेंट वॉज द हिल कम्युनिटीज मेनली उत्तराखंड और गर, गढ़वाल गर, और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था टू द अनफेयर एंड नेचर ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम द चिपको मूवमेंट स्प्रेड थ्रू इंडिया ड्यूरिंग नाइन सेवेंटी Chipko movement is embraced the tree in forest and saved them from being felled. The Chipko movement ensured that the contact system was abolished and the indiscriminate felling trees stopped. The Forest Development Corporation department was formed, which works for the welfare of hilly areas and the people living there. It entitled the people about the necessity of ecological balance in the nature. The Chipko movement took place under the leadership of Sundalal Bhaguna. ये एक जर्नलिस्ट इन्वार्मेंट, भी थे एंड चंडी प्रसाद भट्ट ये दोनों लोगों के ही उन, उनके से ही चिपको आंदोलन पूरा हुआ था जैसे चिपको आंदोलन था वैसे ही एक और मूवमेंट है आपिको मूवमेंट तो आपिको मूवमेंट कहाँ पर हुआ कर्नाटका में ठीक है सेम वैसे हुआ वो उत्तराखंड में हुआ था गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और ये कर्नाटक में हुआ था द तो चिपको मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज एपिको मूवमेंट

स्टेट गवर्नमेंट है सेम फॉरेस्ट एरिया ठीक है तो उसकी वजह से बैन कर दिया ग्रीन ट्रीज को हम नहीं वहां पर कटिंग करेंगे ओनली ड्राई एंड डाइन जो ड्राई हो गए जो मर गए डाई एंड डेट ट्रीज आर फेल्ड टू मीट लोकल रिक्वायरमेंट लोकल रिक्वायरमेंट के लिए हम डाइड एंड डेट ट्रीज को यूज करेंगे एपिको मूवमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग फॉरेस्टेशन, ठीक है फॉरेस्टेशन भी उसको प्रमोट करते हैं इट इज ऑल्सो एक्टिव इन प्रमोटिंग रेशनल यूज ऑफ द इकोस्पेयर सब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन क्लियर डिफोरेस्टेशन टेक्स प्लेस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बाई नेचुरल कॉजेस भी डिफोरेस्टेशन हो सकता है ठीक है फॉरेस्ट फायर अपने आप भी लेते हैं तो उससे भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बोथ ऑफ ऑफ नेक्स्ट द बिगेस्ट रिवर ड्राइवर डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन सबसे मेन कॉज क्या क्या है एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होता है ठीक है द ग्रोइंग मोर एंड मोर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड ए फॉरेस्टेशन प्लांटेशन करने को क्या कहेंगे हम ए फॉरेस्टेशन फोर् इंडिकेट द एनिमल्स फोना वर्ड जो होता है फोना बच्चों कंफ्यूज मत होता है फोनामी एनिमल्स ठीक है एनिमल्स से नहीं लगा तो अगर फ्लोरा वर्ड लिखा होता है एफ एल एफ एल ओ आर ए फ्लोरा अगर लिखा हो तो फ्लोरा फ्लोरास क्या होता है प्लांट्स तो मेनली हम जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फोना फ्लोरा मिस प्लांट्स एंड फोना फोनामीस एनिमल्स ठीक है तो फ्लोरा मिस प्लांट्स ध्यान रखना फ्लोरा वर्ड इज यूज फॉर द प्लांट्स एंड फोना वर्ड इज यूज फॉर द एनिमल्स तो प्लांट्स और एनिमल की जगह बहुत तो जगह बुक्स में फ्लोरा एंड लिखा होता प्लांट्स, ठीक है फ्लोरा का कट रुक गया था ना तो मोर ट्रीज आर प्लांटेड नो डेवलपमेंट इन हिमालय रीजन नो सक्सेसफुली रेजिस्टेड डिफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन को किया, रोका गया ठीक है तो आंसर सी ऑप्शन हो गया नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ दिनली नर्मदा रिवर जो है मध्य प्रदेश में तो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जो है वो एमपी में ही है ठीक है बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्ट में बौर्टर रिसौर्सेस। बौर्टर रिसौर्सेस में वाटर वाटर रिसोर्सेज रिसोर्सेज कुछ तो मैंने सरफेस रिसोर्सेज और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के ईवीएस में नोट्स अवेलेबल है आपको वीडियो पड़ी हुई है देख लेना आप वहां से कुछ जो टॉपिक रह गया वो मैं बना दूंगी स्लाइड्स उसकी तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज थैंक यू बच्चो हैव ए नाइस डे गुड लक टेक केयर वीडियो को देखते रहना सब्सक्राइब करना प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज डाउट और सही समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब जरूर लिखिए थैंक यू बच्चों। गुड लक